हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू एंड साउंड टेस्ट करने वाले हैं इस स्पीकर का, जो कि एक टोल स्पीकर है। आप इसको आराम से व्हील से इसको ले सकते हो कहीं पर भी। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और ये वाला जो ब्रांड है मेरे पास वो है पावर का, ये सब देख सकते हो। और ये मैंने ऑफलाइन परचेस किया था, तो मैंने अमेज़न में चेक किया था, तो ऐसा सेम टू सेम स्पीकर अमेज़न में अवेलेबल है और उसका ब्रांड अलग है। जैसे एक मैंने देखा था MX था, दूसरा टकारा था एक स्पीकर। तो उस स्पीकर के जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अभी हम लोग स्पीकर को देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या इसमें फंक्शंस है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, तो जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेगी वीडियोज़ की। तो सबसे पहले स्पीकर का ये फ्रंट लुक आ जाता है, और उसके बाद ये कुछ कंट्रोल्स है वो हम बाद में देखेंगे। मैं पहले आपको स्पीकर का दिखाता हूँ ओवरलुक। और ये इसका साइड लुक है, ये इसका बैक साइड है, और ये साइड लुक सेम है। तो ये इसका बैक लुक है, और इसमें आप देख सकते हो ये चीज़ है, दो है, ये मैं बताऊँगा क्या चीज़ है बाद में। और यह आपका हैंडल दिया हुआ है, सो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो ऐसे पकड़ के, देन ऐसे आगे मूव कर सकते हो। और इसके नीचे दिया हुआ है ये व्हील भी काफ़ी स्ट्रांग है, सही है। और यहाँ पर आपको एक हैंडल दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो। और इसका जो वेट है वो करीब 11 kg है। सो ये जो स्पीकर है वो है 10 इंच का, और उसके ऊपर आपको मिलता है हाइस। और इस ब्लूटूथ स्पीकर का वाट है 80 वाट है। और अभी हम इसका ये फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाता है USB, जहाँ पे आप अपना पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, देन SD कार्ड। उसके बाद यहाँ पर अपना एडाप्टर कनेक्ट कर सकते हो, और ये आपका 15 वोल्ट का है। देन इसमें आपका एक गिटार का इनपुट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना गिटार कनेक्ट कर सकते हो। सो उसके बाद आता है वॉल्यूम, जहाँ से आप अपना वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। देन आता है बेस, उसके बाद आता है ट्रेवल, देन आता है GT वॉल्यूम, लाइक इसका मतलब है गिटार का जो वॉल्यूम है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद इसमें इको का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप अपना माइक कनेक्ट करोगे ना तो आप उसमें इको भी दे सकते हो कि इतना चाहिए कितना नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। देन उसके बाद आता है माइक का वॉल्यूम, जब आप इसमें माइक कनेक्ट करोगे, जैसे इसमें माइक इन लिखा हुआ है, तो आप इसमें माइक कनेक्ट करके देन आप यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। तो इस टोल स्पीकर के साथ आपको बैटरी भी मिलता है, जो करीब 4-5 घंटे चलेगा। और उसका इंडिकेटर यहाँ पर दे रखा है कि अगर बैटरी कम होगा तो लो में आ जाएगा, अगर चार्ज होगा तो फिर ग्रीन रहेगा, और फुल हो जाएगा तो इसमें लाइट जलेगा रेड कलर का, और ये पावर का लाइट है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो है माइक प्रायोरिटी का। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है और वो गाना चल रहा है, तो अगर आपने इसको प्रेस कर दिया एक बार, और जब आप माइक में कुछ भी बोलोगे तो वो गाना बंद हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं बोलोगे फिर से वो गाना चालू हो जाएगा। सो इसका यूज़ ऐसा होता है। तो हो गया। और उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है वो सिंपल ही है, लाइक इसका ऑप्शन है ये, जैसे आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो इससे आपका गाना बैकवर्ड जाएगा, इससे प्ले पॉज हो जाएगा इसका, फिर गाना आप आगे कर सकते हो। ये आपका मोड का ऑप्शन है, इसमें FM लाइन इन एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन है। तो उसके बाद TWS का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे आप और एक स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन सेम होना चाहिए। और इसमें बस यही है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा बैटरी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से, लेकिन वो 12 वोल्ट का होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑक्स का कनेक्टिविटी मिल जाता है, तो आप इसमें अपना ऑक्स कनेक्ट कर सकते हो। और ये आपका पावर ऑन ऑफ, सो अभी ऑफ है, ऑन करता हूँ मैं। तो कुछ ऐसा आता है, फिर आप इसमें ये मोड का बटन है, आप इसको क्लिक करोगे तो ब्लूटूथ मोड, उसके बाद आता है वॉल्यूम मोड, ब्लूटूथ मोड। तो इसमें FM आपको शायद नहीं मिलता। सो इस स्पीकर के साथ हमें और भी कुछ मिल जाता है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो इसके साथ हमें मिल जाता है दो माइक, और इसका क्वालिटी भी काफ़ी सही है, जैसे आप देख सकते हो। और इसमें आपका दो सेल लगता है, और मैं दिखा तो इस माइक के अंदर का कैसा है। सो कुछ ऐसा है,
इस माइक के अंदर का। और इसमें इसके अंदर एक फोम दिया हुआ है, तो इसको बंद कर देते हैं। और इसमें आपका दो सेल लगता है, इसमें आप अपना दो सेल ले सकते हो। सो माइक को ऑन करने के लिए आपको एक बार क्लिक कर देना है, ये ऑन हो जाएगा। फिर ऑफ़ करने के लिए और एक बार क्लिक करना है, सो ये ऑफ़ हो जाएगा। तो उसके बाद हमें मिलता है मैनुअल गाइड। सो इसका कुछ ज़रूरत तो है नहीं, इसको रखते साइड में। इसके साथ अब हमें दिया है ये एक रिमोट। सो ये रिमोट मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सो इस रिमोट का ज़्यादा हम यूज़ तो करते नहीं है, लुक अच्छा है वैसे। सो इसमें भी वही सारे फंक्शंस है, मोड, देन वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, चेंज, म्यूट, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है इसमें। फिर ये नंबर्स भी दिया हुआ है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो आप रिमोट का, ठीक है। और उसके बाद आता है एडाप्टर। सो ये कुछ ऐसा है, और ये इसका बैक साइड है, और ये 15 वोल्ट 4 एम्पियर का है, तो इसमें 15 वोल्ट का सपोर्ट करता है। और वायर ठीक ठाक है, ठीक ठाक लंबा दिया है। तो अभी मैं इस एडाप्टर को करता हूँ कनेक्ट। तो जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तब इसमें ब्लू कलर का लाइट जलेगी, तो इसका मतलब ऑन है। और ये वाला जो पॉइंट है वो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हो अभी इसमें आ गया है कि ये चार्ज हो रहा है। मैं एक बार इसको ऑफ़ करके दिखाता हूँ, तो इसमें ग्रीन लाइट जल रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा है अभी। सो अभी हम इस स्पीकर का साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं माइक से टेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद ब्लूटूथ से चेक करेंगे। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। लाइम मोड। सो ये मैंने ऑन किया, चेक, हेलो हेलो, माइक वॉल्यूम चेक चेक, हेलो। सो अभी ये इको नहीं है, इसमें प्लेन है, चेक चेक, हेलो हेलो। सो साउंड ज़्यादा हो गया था। और इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें डिस्प्ले होता है नंबर, जैसे आप इसको टर्न करते हो ना तो इसमें डिस्प्ले होता है। अब ये 5 में है, 6 में है, 7, 8। तो वैसे अच्छी बात है कि आपको पता चल जाएगा कि अभी कितने नंबर पे है। सो अभी हम इसका इको चेक कर लेते हैं, चेक हेलो, चेक चेक हेलो। अभी ये 50 में, चेक हेलो हेलो, चेक 1 2, चेक हेलो चेक चेक हेलो। अभी ये फुल है, चेक हेलो। सो मैं अभी ज़्यादा साउंड दे नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा साउंड दूंगा तो इसमें विसिल होगा, जैसे आप देख सकते हो, चेक हेलो हेलो, चेक चेक हेलो। सो अभी इको ऑफ है, चेक हेलो हेलो, चेक 1 1 2, चेक। सो इको भी काफ़ी बढ़िया है, जैसे आपको चाहिए आप वैसे यूज़ कर सकते हो। तो फुल ना रख के थोड़ा सा कम रख के रखो तो अच्छा अच्छा साउंड आएगा। सो मैं एक बार इस माइक में गा के दिखा रहा हूँ कि इसका साउंड कैसा आता है। ये मोमों के धागे तेरी उंगलियों से जावे, कोई टूटो ना लागे, किस तरह लगे ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों से जो गुजरे। आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसा साउंड आ रहा है। सो इस माइक में ये बेस और ट्रेवल दोनों काम नहीं करते, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, चेक हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, सेम सेम साउंड है, चेक हेलो। फिलो कर दिए, अभी ट्रेवल देख लेते हैं, चेक हेलो हेलो, चेक 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 चेक। तो ये सिर्फ ब्लूटूथ स्पीकर में काम करते हैं, तो उसमें आप अपना बेस और ट्रेवल को एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइस, मैंने अभी लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है अपने ब्लूटूथ स्पीकर से, और अभी मैं इसको प्ले करूँगा। और अभी मैं साउंड रखा है 30% पे, तो सुनते हैं कैसा आ रहा है।
इंक्रीज करते हैं साउंड को थोड़ा सा। ज़्यादा साउंड है, मैं आपको एक बार इसका माइक का टेस्ट करके दिखाता हूँ जो मैं बात किया था ना। तो अभी हम उस बटन का यूज़ करेंगे माइक प्रायोरिटी का, तो देखते हैं। चेक हेलो चेक वन टू चेक। तो मैंने अभी उस बटन को दबाया नहीं है, तो अभी मैं इसको प्रेस कर दूँ। चेक हेलो। तो इसका ऑप्शन ये है, तो जब भी आप बात करोगे माइक में तो आपका जो साउंड है वो कम हो जाएगा। जैसे मैं बात करना बंद कर दूंगा तो ये फिर से शुरू हो जाएगा। हेलो, तो ये कुछ ऐसा काम करता है, और अगर आपने इस बटन को प्रेस नहीं किया तो ये काम नहीं करेगा। चेक हेलो चेक। तो ये सिंपल जैसे पहले काम कर रहा था वैसे करेगा। तो गाइस आपने अभी इसका साउंड सुना, तो काफ़ी ज़बरदस्त साउंड है। मतलब इसका जो बेस काफ़ी अच्छा है, और इसका जो ये जो स्पीकर है वो वुडन है, तो इसीलिए और ज़्यादा अच्छा साउंड आता है। क्योंकि बाकी सब स्पीकर में क्या रहता है कि प्लास्टिक का कैबिनेट रहता है, तो इसलिए उतना सही साउंड नहीं आता, लेकिन ये वुडन है तो इसीलिए थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है इसका, और इसीलिए इसका जो साउंड क्वालिटी है ना काफ़ी बढ़िया आ रहा है, उसका बेस अच्छा आ रहा है, और आपको 80 वाट में भी काफ़ी अच्छा साउंड देखने को मिल जाता है स्पीकर में। सो स्पीकर में मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, जैसे आप कोई भी नॉब टर्न करोगे ना, जैसे प्लस माइनस करोगे तो इसमें नंबर शो होएगा, जैसे देख सकते हो आप 4 5 6 7 8 ऐसा करके 16 तक जाएगा। फिर बेस का भी है, फिर जो ब्लूटूथ का जो वॉल्यूम है उसमें भी है, इसमें 32 तक है। तो वैसे ये सही चीज़ है कि इससे पता चलेगा कि कितना परसेंट पे अभी वॉल्यूम है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वाला जो स्पीकर है ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई बर्थडे पार्टी हो गया, फिर कोई एनिवर्सरी हो गया, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसका मेन फ़ायदा ये है कि मैं एक बार इसका चार्जर निकालता हूँ, इसका मेन फ़ायदा ये कि इसका ट्रॉली, सो जैसे आप इसको काफ़ी लंबा कर सकते हो और ये ऐसे करके कैरी कर सकते हो, और काफ़ी स्मूथ है, तो ये चीज़ अच्छा है। और इसमें जो बैक साइड का जो मैं चीज़ कह रहा था ना, ये दो चीज़ ये काफ़ी सही है, मैं आपको दिखा दूँ। सो इसके लिए हमें ये मिलता है, ये दो चीज़ है। सो इसको क्या करना है, इसको कैसे लगाना होता है कि जैसे इसमें लगाया हमने फिर इसको ऐसे रख दिया, तो बेसिकली ये यूज़ होता है माइक के लिए। तो
इसको ऐसे लगा के, तो इसमें आप अपना दोनों माइक को ऐसे रख सकते हो, सो इससे खोने का चांस भी नहीं रहेगा और ये पीछे भी रहेगा, सेफ रहेगा। तो काफ़ी सही लग रहा है, लुक भी सही लग रहा है। तो ये कुछ था स्पीकर का रिव्यू और साउंड टेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।